नमस्कार, चरणत की पुकार में आपका स्वागत है। पटना जिला अंतर्गत विक्रम प्रखंड क्षेत्र के दादूपुर में जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। पटना जिला अंतर्गत विक्रम प्रखंड क्षेत्र के दादूपुर में विश्व के पहला कलश महामंदिर का निर्माण कार्य 251 करोड़ रुपए की लागत से होना है। महाधाम का निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर गुरुवार को श्री राम नवमी पर गायत्री त्रिवेणी प्रयागराज पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में भूमि पूजन संपन्न हुआ। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के संगीत संध्या में कई नामचीन कलाकारों व संगीतज्ञों ने शास्त्रीय संगीत की भव्य व भक्तिमय प्रस्तुति दी। कलाकारों की भक्तिमय व मनमोहक संगीत की प्रस्तुति ने मौजूद लोगों को खूब झुमाया। भक्तों ने भक्ति व आस्था के इस सरोवर में डुबकी लगाई व भक्तिमय माहौल का खूब आनंद लिया। विदित हो कि वेदांता मिशन के नेतृत्व में बनाए जा रहे 51 शक्ति पीठ महामंदिर का भूमि पूजन समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रयाग पीठाधीश्वर आद्य शंकराचार्य बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, भाजपा पूर्व प्रत्याशी अतुल कुमार व सतीमा सिंह सहित कई अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं स्वास्तिक वाचन के साथ किया। हिंदू धर्म महाशक्ति के रूप पूज्य माता सती के दुनिया के विभिन्न इलाकों में निहित कुल 51 शक्ति पीठों से अग्नि जल मिट्टी अग्नि जल जो भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा नेपाल बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका एवं तिब्बत से लाई जाएगी, जिससे मंदिर में माता सती की संपूर्ण स्वरूप का निर्माण होगा। 51 शक्ति पीठ धाम मंदिर की स्थापना कुल 251 करोड़ की लागत से होगी। यह मंदिर विश्व का प्रथम कलश महामंदिर होगा, जिसका निर्माण में 51 शक्ति पीठ मंदिर की मिट्टी अग्नि जल 51 अधिनागेश्वर किन्नर के घर से मिट्टी अग्नि जल 51 वेश्याओं के घर की मिट्टी अग्नि जल 51 नदियों का जल 51 गांवों की मिट्टी जल 51 नगरों की मिट्टी जल 51 लाख सौभाग्यशाली महिलाओं के घर की मिट्टी अग्नि जल से होना है। और विश्व का पहला होगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, इसी पर हम लोगों को काम करना है। नहीं, माता के जितने भी अंग हैं, आज भी हमारे यहाँ जो भी लोग हैं बहुत जगह पर नहीं जा पाते हैं, तो कम से कम एक जगह जाकर उनको सेटिस्फेक्शन हो गए। नहीं, अम्मा का और माँ का भी अंग जो है इधर उधर जो है उसके चलते भी लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं है, तो हम लोगों में एक तरह के जिज्ञासा से आ गया कि करना है। और बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत सहयोग लोगों को मिल रहा है और सारे लोग जितने भी विद्वान लोगों से हम लोग मिले सब लोग कहेंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों का कल्पना है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर कब तक बनेगा, इसका कुछ लक्ष्य रखा गया? ये 5 साल, लगभग 5 साल का हम लोग का प्रोग्राम है। अच्छा। और इसमें हम लोग का मंदिर होगा, बालिका विद्यालय होगा जहाँ निःशुल्क पढ़ाई होगा, गौशाला होगा, बहुत सारे इसमें प्रोग्राम है सर। हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी, ये बहुत उसके अंग आएंगे मंदिर में। अपना परिचय? मेरा नाम उमेश सिंह है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ वेदांता मिशन जी। वातावरण दिख रहा है, सभी के मन में एक भाव है, प्यार है, श्रद्धा है, प्रेम है, ये सभी को देखकर हमें इतना अच्छा लग रहा है कि ये मंदिर आने वाले दिनों में पूरे विश्व में जागृत रहेगा, विश्व में पहचान बनाएगा और पूरे विश्व से लोग इस धाम में इस मंदिर में पहुंचे, इसी आस के साथ इस भूमि पूजन का आगाज हुआ है। ऐसा हम माता रानी के चरणों में निवेदन करते हैं, प्यार मांगते हैं और इस गांव के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर सानवी जेठवानी महाराष्ट्र से हूँ, एक ट्रांसजेंडर हूँ, किन्नर समाज से हूँ और लोक कला की सेवाएं देती हूँ और साथ ही माता रानी के आशीर्वाद से सभी के घर में आनंदमय वातावरण रहे, यही आशीर्वाद लेकर सभी के यहाँ बढ़ती हूँ। जी, ये जो जिस धाम का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखते ये जो इस समय मानव समाज में विकृति आई है, पूरे विश्व में विकृति आई है, कोई इस प्रदेश का उस प्रदेश का नहीं, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय मानव समाज की व्यथा है जो इस समय चल रहा है। इस समय आपको मानव समाज को दिशा और दशा बदलने के उद्देश्य से 51 शक्तिपीठ की स्थापना विक्रम दादोपुर पटना में स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो शक्तियाँ हैं वो सब बिखरी हुई हैं,
बिखरते बिखरते ये समय ऐसा आ गया है कि अब शक्ति का बड़ा दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। तो शक्ति को समाहित करने के लिए, मानव कल्याण के लिए 51 शक्ति पीठों की स्थापना एक जगह किया जा रहा है, जिससे ये शक्ति की ऊर्जा पूरा विश्व में मानव समाज को प्रकाशित करे, अंधकार से प्रकाश की तरफ। ये महामंदिर का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? संचालन में बहुत सारे लोग हैं, जैसे सुनील जी हैं, अरविंद जी हैं, और अभी जो मैं कमेटी बनाने के लिए हम लोग बैठेंगे। बताया ऐसा भी जा रहा है कि शायद यहाँ पर बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा का केंद्र भी बनाया जाएगा और अस्पताल भी बनाए जाएंगे, इस तरह के भी कई प्रोजेक्ट। निश्चित रूप से कई ऐसे मानव कल्याण के लिए व्यवस्थाएँ शक्तिपीठ की तरफ से देने की चल रही है, अब माता रानी की जैसी कृपा होगी। मंदिर निर्माण में बहुत सारे सामग्रियों का भी समागम करना है जैसा बताया जा रहा है, अगर कुछ आप अपने मुखारविंद से बताएं कि कौन कौन सी चीज़ों का समागम होगा जिससे मंदिर निर्माण। 51 शक्ति पीठों से वहाँ से अग्नि, जल और मिट्टी ले आकर के वो सभी शक्ति पीठों को एकत्रित करके यहाँ पर रखा जाएगा। आपका परिचय? मैं आद्या शंकराचार्य त्रिकाल भवनता संतति जी महाराज अखाड़ा परिप्रमुख, विश्व की पहली महिला शंकराचार्य है। ये शायद बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करने के उद्देश्य से मध्य क्षेत्र में मेरा प्रादुर्भाव। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।